नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो खुशखबरी है सभी के लिए जो कोरोना वायरस से सभी लोग जूझ रहे थे उनके लिए। बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पहले दिन 3.5 लाख की बजाय 1.91 लाख लोगों को टीका लगाया, यानी टारगेट के मुकाबले थोड़ा कम लगा है, लेकिन इतना टीका, इतना वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है, खुशखबरी है कि कोरोना की लड़ाई से जिस तरह से देश जूझ रहा था उससे हम बचने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शनिवार को भारत में शुरू हो चुका है। हालांकि टारगेट के मुकाबले पहले दिन 60% लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। सरकार ने कहा था 3 लाख 15 हज़ार 37 लोगों को टीका लगेगा। शाम को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैक्सीन की साइट को बढ़कर 3351 हो गई थी, लेकिन यहां 1,65,714 को ही टीका लगाया जा सका है। शाम को 7:45 तक डेटा अपडेट हुआ है, तो जे 30,000 जगहों पर लगना था, तो जे अपडेट्स आई हैं, तो कोरोना वायरस से सुरक्षा की वैक्सीन आ चुकी है। सरकार के दावे हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिस तरह से कई धारणाएं बन रही थी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इतने लोगों को टीका लग चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है कि इतने लोगों को टीका लगाया जा चुका है, तो हम लोगों को काफ़ी सेफ होके रहना है। लेकिन अभी भी हमको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके अपनाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, इसलिए अपन सबको सुरक्षित होके चलना है और देश की प्रकृति में हाथ बढ़ाना है। तो जय हिंद, जय भारत।